शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में अब नए कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। हिमाचल में साक्षरता की समस्या नहीं है बल्कि क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए अब शिक्षकों को रिटायरमेंट अकेडमिक सेशन में ही होगी। ये बात उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को लेकर आयोजित वर्कशॉप के बाद सचिवालय में मीडिया से कही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को लेकर धर्मशाला में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल सहित हिमालयन स्टेट के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव व शिक्षाविदों ने चर्चा की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा बोर्ड ने नकल को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। नॉर्थ इंडिया के हिमालयन राज्यों की समस्या लगभग एक जैसी है, ऐसे में नई राष्ट्रीय नीति में हिमालयी राज्यों के लिए अलग प्रावधान करने की मांग उठाई गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राइमरी स्कूलों के साथ मर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में हिमालय राज्यों के लिए शिक्षा नीति में इन राज्यों की भौगोलिक दृष्टि के अनुसार बदलाव करने की मांग भी की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राइमरी स्कूलों में मर्ज करने से जहां आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों में सुधार होगा, वहीं भवनों की कमी से जूझ रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को भवन भी उपलब्ध होगा। इस संबंध में योजना का खाका भी तैयार किया गया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल का जनरल एनरोलमेंट रेशियो अन्य राज्यों की तुलना में काफी अच्छा है, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की हैं, जिससे अधिक से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंपने वाली उस नौ सदस्यीय समिति ने 31 मई को ही हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को ड्राफ्ट पॉलिसी का जो है वो सौंपी, और हमारी केंद्रीय सरकार ने उस ड्राफ्ट पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में आम जनता के, एजुकेशनिस्ट के और प्रदेश सरकारों के कमेंट्स के लिए ड्राफ्ट किया है, के लिए एक महीना और बढ़ाया जाएगा। बाकी प्रदेशों ने भी ये निवेदन किया है, हिमाचल प्रदेश ने भी ये निवेदन किया है, और यदि समय बढ़ गया तो हम इसी प्रकार के आयोजन जो है वो हमीरपुर और मंडी में भी करेंगे। इस ड्राफ्ट पॉलिसी में हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बहुत सारे व्यापक सुधार दिए। ये है 5-3-3 और उसके बाद 4 इस फार्मूले पर बन रहा है, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है। हम प्री प्राइमरी हिमाचल में हमने शुरू की है, पिछले वर्ष से हमने शुरू कर दी है। पिछले साल हमने 3,391 स्कूलों में किया था और इस बार 350 स्कूल हमने और ऐड किए हैं, और ये 3700 स्कूलों में जो है प्री प्राइमरी क्लासेस हम चलाने वाले हैं, और इसकी कन्वर्जेंस हम आंगनबाड़ी के साथ करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जहां हमारी प्री प्राइमरी चले वहां पर स्कूल में स्थान उपलब्ध हो तो हम आंगनबाड़ी को उसी में जो है वो लाने का प्रयास करेंगे। उनको बिना हिलाए जुलाए या उसमें किसी परिवर्तन नहीं करेंगे, वो वहीं पर चले। 2 से 4 साल तक वो आंगनबाड़ी में चलते हैं, 4 वर्ष के बाद वो प्री प्राइमरी में चलते। ये हमारा मेजर जो है उसमें है। टीचर्स हर साल मिनिमम 50 घंटे की ट्रेनिंग टीचर्स की, हर एक टीचर की हो। हिमाचल की प्रॉब्लम अब साक्षरता नहीं है, हिमाचल की प्रॉब्लम क्वालिटी एजुकेशन है, और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो है वो सारे बात हैं। यहाँ की आवश्यकता इसीलिए हम चाहते हैं कि नैतिक शिक्षा का उसमें जो कंटेंट हो, भी रिटायरमेंट नहीं करेंगे। टीचर्स की रिटायरमेंट एक डेट पर हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है उनकी रिटायरमेंट डेट पर होगी, लेकिन टीचर्स की जो है वो एक डेट पर हो, जैसा हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अभी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर टीचर्स की जो रिटायरमेंट है वो 30 जून को होती है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीन वगैरह नहीं रहते जब उन्होंने रिटायरमेंट होती है। तो ऐसा ही हम स्कूल में भी करने वाले हैं, उसका अर्थ होगा।